हेलो एवरीवन, मैं हूं अक्षता गुप्ता। आपका स्वागत है मेरे चैनल थोड़ी मोड़ी में। रिसेंटली मैंने किचन क्वीन वेबसाइट से कुछ किचन टूल्स ऑर्डर किए हैं, तो सोचा क्यों ना आपके साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग करूं। बात करें किचन क्वीन वेबसाइट की, तो ये 100% सेफ है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी इनके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं उनके डिलीवरी चार्जेस के साथ जितना अमाउंट होगा उसकी आपको रिसिप्ट मिल जाती है, और फिर आप 100% डिलीवरी सिक्योरिटी के साथ आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वेबसाइट पे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरी वाइज भी इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने आपके साथ इन प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग शेयर की थी, आज हम 5 प्रोडक्ट का डेमो देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके देखते हैं इस ड्राई फ्रूट और ऑनियन चॉपर में। ये है ड्राई फ्रूट चॉपर की प्लेट, हमें इसे इस तरह से अटैच कर लेना है। ये ऊपर वाला हिस्सा भी अटैच कर दें। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे बादाम और काजू लिया है। अब इसे रोटेट करते जाएं, आपके ड्राई फ्रूट छोटे टुकड़ों में चॉप हो जाएंगे। और लीजिए, बस कुछ ही मिनट में सारे ड्राई फ्रूट्स चॉप हो गए हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे से चॉप हुए हैं, सब एक बराबर छोटे टुकड़ों में चॉप हो गए हैं। अब इसे हम अपने स्वीट डिशेस बनाने के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑनियन चॉप करके देखते हैं इस ऑनियन चॉपिंग ब्लेड से। मैंने प्याज के छिलके को छील लिया है और 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। देखिए कितनी आसानी से इसमें प्याज भी बारीक कट हो गए हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये शेफ बास्केट। ये मेटल का है और ये कई डिफरेंट शेप्स में चेंज हो जाता है। ये काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। रोज की सब्जियों को धोने के लिए आप इसे ऐसे बास्केट यूज कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे कुछ नींबू और टमाटर को इसमें धोया है। इसे हम पास्ता नूडल्स को बॉईल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भगोने में पानी ले लें और इस तरह से बास्केट प्लेस कर दें। बास्केट का नीचे का हिस्सा पानी में डूबा होना चाहिए और उसके बाद इसमें आप पास्ता या नूडल्स डाल दें। मैंने यहाँ पे कुछ आलू लिए हैं डेमो के लिए। आप इस शेफ बास्केट का इस्तेमाल सब्जियों को ब्लांच करने के लिए भी कर सकते हैं। एक भगोने में थोड़ा सा पानी ले लें, इस शेफ बास्केट को इसमें प्लेस कर दें। इसके नीचे का हिस्सा पानी में टच ना हो। अब इसमें जो भी सब्जियों को ब्लांच करना है वो रखें। मैंने यहाँ पे कुछ पालक लिए हैं, पालक को अच्छे से धो लिया है और ब्लांच करने के लिए इस बास्केट में रख दें। इसे गैस पे चढ़ा दिया है और एक ढक्कन से ढक दिया है और बस कुछ ही मिनटों में पालक अच्छे से ब्लांच हो जाएगा। और देखिए पालक ब्लांच होकर के रेडी है। अब इसकी प्यूरी बना लें और पालक पनीर बनाएं या फिर पालक की रोटियां बनाएं, बहुत ही अच्छे से बनेंगी और अच्छा ग्रीन कलर भी रहेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये गार्लिक क्रशर। मैंने कुछ लहसुन को छील लिया है। इन सब लहसुन को हम इस होल में डाल देंगे और बस इसे इस तरह से दबाएंगे। और देखिए बस एक ही बार में सारे लहसुन क्रश होकर के रेडी हो गए। अक्सर जब हम पराठे बनाते हैं या डोसा और चम्मच से तेल डालते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल गिर जाता है और हमारा खाना ऑयली हो जाता है, बट इसे अवॉइड करने के लिए आप सिलिकॉन ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं और कम तेल में अपना खाना आसानी से बना सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट है ये लिक्विड सोप डिस्पेंसर। इसमें हम बर्तन साफ करने वाला लिक्विड डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दें और इसका ऊपर का ढक्कन लगा लें और थोड़ा सा शेक कर लें। अब इस स्पॉन्ज के हेल्प से इसे दबाते जाएं और नीचे का लिक्विड इस स्पॉन्ज में आ जाएगा और उसके बाद आप अपने बर्तन को अच्छे से धो सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लिक्विड वेस्ट होने से बचता है और बर्तन भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये आपके किचन में भी देखने में अच्छा दिखता है। मैस क्रिएट नहीं करता। आई होप आपको ये 5 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। शॉप 200 इस कोड से आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।